unites.com, redefining Bollywood. मैं बचपन से बहुत हाईवे पर घूम फिर चुका हूँ और मुझे एक अनुमान और एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है देश के कोने कोने में जाने का। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये मौका मिला, हाईवे फिल्म ने ये मौका दिया कि मैं फिर से हाईवे पर दूर दराज और सुंदर जगहों पर जा सकूँ। एक्चुअली जब आप हाईवे पर ऐसे चलते हैं जाती ज़िंदगी में तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ आती रहती हैं, मेरे दिमाग में तो ऐसे ही आती हैं, तो कुछ कहानियाँ उसमें हाईवे पे भी होती हैं। तो ये कहानी आई थी, फिर मुझे लगा कि इस कहानी को ज़रूर बनाना चाहिए बिकॉज इस एक कोई ख़ास बात है जो ये कहानी कहना चाह रही है। तो फिर वो क्योंकि कहानी फिर बन गई, उसके लिए फिर फिल्म भी बन गई। बहुत सारी नई चीज़ें मुझे दिखी हर एक स्टेट में, जैसे कि पंजाब में जो सूफी कल्चर है या जो वहाँ की एक स्पिरिचुअल कल्चर है ना पंजाब का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया। हरियाणा में, हरियाणा एक बहुत पुरानी जगह है, मेरे ख्याल से सबसे पुरानी जगह इस देश की हरियाणा है, और उसकी एक अजीब सी बहुत ब्यूटी है इस पुरानेपन की, वो मैंने हरियाणा के बारे में इस बार डिस्कवर किया। और जम्मू एंड कश्मीर जो मैं कई बार जा चुका हूँ, जो मेरा फेवरेट स्टेट है, उसमें भी मैंने नोटिस इस बार देखा कि अलग अलग तरह के अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं जो कश्मीर के अंदर आते हैं मगर अलग अलग जबान में बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस बार कश्मीरी जो गुजर होते हैं, जो गुजर कश्मीरी बकरवाल होते हैं, उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। तो ये नई चीज़ मैंने इस दफ़ा कश्मीर की बारे में देखी। और बाकी जो स्टेट्स हैं वो राजस्थान है, जैसे राजस्थान जिसको मैं अब ग्रीन स्टेट कहता हूँ, एक ज़माना था जब वो रेगिस्तान था, बट अब वो उन्होंने बहुत अच्छे से तरक्की की है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा खुशहाली और ग्रीनरी आई है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ये करती है, खुश करती है कि एक स्टेट ने इस तरह से किया है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में ये मुझे लगता था कि ये लोग इन लोगों ने पूरा, इतना मुश्किल जगह है सर, सारी सड़क वगैरह बड़ी मुश्किल है, बट हर जगह फ़ोन का सिग्नल अक्सर रहता है एक्सेप्ट फॉर काजा एट्सेट्रा। सो बड़ा मज़ा आया मुझे इन सारे जगहों पर जाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Click on the subscribe button and stay tuned.